हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम द होममेकर। दोस्तों, हम रिसेंटली ही एप्पल ऑर्चर्ड्स गए थे एप्पल पिकिंग के लिए और बहुत मज़े से हमने बहुत सारे एप्पल तोड़े और हो गए हमारे पास बहुत सारे एप्पल। हम एप्पल्स तो डेली खा ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ में इन एप्पल्स की बैंड बजाने के लिए हमें हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में एक दो रेसिपीज जो है एप्पल की देखने को मिले। तो हमने बना लिया है सिंपल तरीके से बन जाने वाले एप्पल के लड्डू, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बन जाते हैं और कम्प्लीटली हेल्दी हैं। तो चलिए बनाते हैं ये सिंपल सी एप्पल लड्डू की रेसिपी। हमने एप्पल के लड्डू बनाने के लिए ले लिए हैं दो एप्पल्स। हम ले लेंगे एक कप ग्रेटेड कोकोनट और मैंने ले लिया है एक कप ब्राउन शुगर। आप चाहे तो नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। पहले हम एप्पल को पील कर लेंगे, क्योंकि छिलका जो है वो लड्डुओं में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो एप्पल को पील कर लेंगे और या तो फिर आप इसे चॉपर में चॉप कर लीजिए बारीकी से, या फिर इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आसान तरीका अपनाया है, इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक हो जाएगा आपका एप्पल। और अब हम अपने ग्रेटेड एप्पल में कुछ ड्रॉप ऑफ नींबू ऐड करेंगे, बिकॉज जो एप्पल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर वो काला पड़ जाता है। इसको काला होने से बचाने के लिए तो कुछ बूंदे हम इसमें नींबू की ऐड करेंगे। नींबू ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे मीडियम हाई पर। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाती है हम उसमें अपना ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और उसे लगभग एक मिनट के करीब भून लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाता है हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे। दोनों को साथ में लगभग एक मिनट तक भुनेंगे। जैसे ही ये अच्छे से भुन जाता है हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा नींबू ऐड किया हुआ ग्रेटेड एप्पल। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें हमारे तीनों इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से भून लेना है जब तक ये लाल नहीं हो जाता हमारा मिक्सचर। इस बीच में एप्पल्स पानी भी छोड़ेंगे, उसे भी सुखा लेना है हमें और इसको अच्छे से चलाना है इसके लाल होने तक। इसमें हम थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे इसकी ग्लेसिंग के लिए। इससे हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही शाइनी और बहुत ही अच्छे बनेंगे और साथ ही साथ में उनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आएगी उनको बांधते हुए। तो अच्छे से थोड़ी देर और पकाएंगे। लगभग हमारे को 8 से 9 मिनट लगेगा इसको पूरी तरह से पकाने में और थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेने में, पूरी तरह से भून लेने में, जब तक ये हल्का सा लाल हो जाएगा। देखिए, अब ये धीरे धीरे लाल हो रहा है। लड्डू मिक्सचर जो है वो थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स हमेशा मीठे में अच्छे लगते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स जितने चाहे ऐड कीजिए, इसे और हेल्दी बनाइए। ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से जब भुन जाएंगे तो हमारे लड्डू मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, ये लड्डू मिक्सचर एकदम तैयार है। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, बिकॉज अगर इस वक्त हम इसको लड्डुओं में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है और अब हम इसे लड्डुओं में कन्वर्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए आप इसको अपनी हथेलियों में बार बार दबाएंगे ताकि वो प्रॉपर शेप ले ले। आप इसे मोदक का शेप भी दे सकते हैं। तो बेसिकली मोदक का शेप देने के लिए अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से शेप करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो आप किसी भी तरीके की फन शेप अपने लड्डुओं को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको बर्फी का शेप भी दे सकते हैं। तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपने एप्पल के डिजर्ट को कैसे खाना पसंद करेंगे। कितनी आसानी से और सिंपल तीन इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हैं हमारे हेल्दी एप्पल लड्डू। जब ये बने थे, बिलीव मी, मैंने तो इसके ऊपर हेल्थ का टैग डाल के 6-7 खा डाले, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फूडी। सो आप ही बनाइए और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, फटाफट बना डालिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी हमसे रह गई या फिर क्या और नया चीज़ें आप देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मीठे के शौकीन हैं तो इससे बढ़िया मीठा आपके लिए नहीं हो सकता। एंड जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू सून।